हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं फिर वीडियो के साइड। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से शाही पेटीज। तो आप सोच रहे होंगे कि ब्रेड से तो कभी पेटीज नहीं बनती है, वो तो मैदे से बनती है। लेकिन गाइस, आज मैं आपको है ना ब्रेड से बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास है ना 10-12 ब्रेड है, और ये मेरे पास 200 ग्राम वजन का बेसन है। तो हम पहले बेसन को ऐड कर देते हैं बाउल में। और गाइस, अब इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप थोड़ा ही डालें, क्योंकि बेसन के घोल में बहुत जल्दी नमक तेज हो जाता है। और गाइस, ये है मेरे पास अजवाइन। अजवाइन हमेशा बेसन की चीज़ें बनाते हैं तो हींग और अजवाइन का यूज़ ज़रूर है, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो जाता है अजवाइन से। इसमें जो गांठें पड़ी ना बेसन की, उन्हें तोड़ लेते हैं हम। तो गाइस, इसका पहले हम बनाएंगे घोल। इस तरह पकौड़े का घोल बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाना है। इसे घोल लेंगे, इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। गाइस, इसका अच्छा सा घोल बन गया है। अब हम करेंगे इसको, रखेंगे साइड में। ये है मेरे पास चिली सॉस, ये है टमाटो सॉस। तो इसमें से ना ब्रेडो को आधा आधा कर लेते हैं, आधी साइड में रख लेते हैं। अब हमें ना ब्रेड चाहिए चार ब्रेडों को। हम क्या करेंगे, अब एक लेंगे बटर नाइफ। तो गाइस, पहले मैं लगाऊंगी इसमें चिली सॉस। अगर आपके पास है ना धनिया की हरी चटनी है, पुदीने की चटनी है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन हम तो इसको आज है ना चिली सॉस से बनाने वाले हैं। चिली सॉस वगैरह ये सब चीज़ें क्या है, झट से बनाने वाला नाश्ता है। तो ये फटाफट से घर में होती है, बोतल खोलो और चिली सॉस लगा। अब मैं लगाऊंगी इसमें सिंपल ब्रेड। अब इसके ऊपर जाएगा टमाटो सॉस। अच्छा सही लेना है गाइस। गाइस फिर से रखेंगे सिंपल। अब इसके ऊपर लगाएंगे आधे से पे चिली सॉस, आधी साइड में टमाटो सॉस। इन दोनों को मैं इस तरह से लगा लेंगे। कंजूसी ना करें आप बिल्कुल भी सॉस की। इसको भी मैं अच्छे से फैला लूंगी। अब गाइस, इस पे लगाएंगे हम एक सिंपल ब्रेड। तो हो गई ना चार ब्रेड। तो गाइस, अब इसको डालेंगे हम बेसन के घोल में। तो एक चम्मच की हेल्प से आप है ना इसके ऊपर बेसन का घोल इसके अंदर तक एकदम डीप कर दें। ज़्यादा देर तक बेसन के घोल में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये गल जाएगी। गाइस, हमने साइड में चढ़ाई है कढ़ाई, इसमें डाल दिया हमने ऑयल। अब ऑयल को हो गया हमारा गर्म, तो इसमें डालते हैं हम ऑयल में पेटीज। इसको करेंगे फुल आंच पे। ज़्यादा फुल आंच नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेड और बेसन है ना तो जल जाता है ये। तो गाइस, इसको देखते हैं अभी ये, इसको हम आराम से पलटेंगे एक नाइफ की मदद से, ताकि ये खुल नहीं पाए। एकदम आराम से डालना है गाइस। ये डल गया, इसको फिर से सेकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सेका है। अब इसको लेती हूँ मैं बाहर, इसको हम बाहर लेते हैं। गाइस, इसको मैंने रख दिया है। अब मैं दूसरा भी डाल देती हूँ। तो गाइस, अब इसको हम करते हैं कट। तेज धार वाला नाइफ ले लें, आपके पास पिज्जा कटर हो आप उसे भी काट सकते हैं। ये हमारी पेटीज बन गई, देख रहे हो गाइस, रेड ग्रीन। इसमें भी है रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। अब मैं ये भी सिख रही है साइड में। बहुत शानदार पेटीज बनी है, और ये हो गई हमारे खाने के लायक। अब इसको खाएंगे हम सॉस से, ग्रीन चिली से,
तो गाइस ये हमारी ब्रेड की शाही पेटीज बनके तैयार हो गई है और ये फटाफट बन जाने वाला। जितनी जल्दी अपन बच्चों को तैयार करते हैं स्कूल के लिए उतनी ही जल्दी में ये हमारे बच्चों का लंच तैयार हो जाता है गाइस। तो आप अपने बच्चों के टिफिन के लिए फटाफट झटपट बनाए जाने वाली पेटीज, सर्दियों में ये सबसे बेस्ट नाश्ता है बच्चों के लिए। तो गाइस आपको मेरी शाही पेटीज पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इनको लाइक करना, मेरी इस पेटीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी बजाना। तो मैं ऐसे टिफिन वाले नाश्ते लेके आऊँगी। टेक केयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना। तो मैं ऐसी वीडियो लाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना। टेक केयर।